नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के कई स्थानों पर हुई झमाझम बारिश, बनी परेशानी। 16 लोगों को किया गया रेस्क्यू, नदी में बही मोटरसाइकिल, एक परिवार बाल बाल बचा। 4 वर्ष बाद जिले के भीतर मेहरबान हुआ मानसून, 10 दिन में हो गई जुलाई महीने के कोटे की पूरी बारिश। कार्य में लापरवाही के मामले पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को जारी किया कारण बताओ नोटिस, आधा दर्जन अधिकारियों का रोका वेतन। खैरलांजी के कटोरी गांव में तालाब फूटने का संदेह, माने गांव में बड़ा बाढ़ का खतरा। 3 नगरीय निकाय की मतगणना का शुरू हुआ काउंटडाउन, 63 वार्ड पार्षद पद के लिए 298 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड का तीसरा डोज, प्रिकॉशन डोज लगाए जाने के लिए 18 जुलाई से अभियान शुरू कर दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में वायरल बुखार और वैक्सीन लगने के बाद बुखार के डर से लोग प्रिकॉशन डोज से थोड़ी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जुलाई से प्रिकॉशन डोज लगाए जाने का अभियान शुरू हुआ है। 18 जुलाई को शुक्रवार का दिन होने के कारण वैक्सीनेशन डे होने और फिर शनिवार और रविवार की वजह से प्रिकॉशन डोज लगाने कम लोग पहुंचे। उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी दिनों में लोग डोज लगवाने के लिए पहुंचेंगे। जिले के भीतर प्रिकॉशन डोज लगाने वालों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 12 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज लगने हैं। ऐसे में अभी तक जिले के नए प्रिकॉशन डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुए हैं। वर्तमान समय में पुराने स्टॉक से ही लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगलवार और बुधवार तक प्रिकॉशन डोज के अनुसार जिले के वैक्सीन उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे 27 जुलाई को आयोजित होने वाला महा वैक्सीनेशन अभियान के दिन बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। कोई दूसरी और जानकारी यही मिल रही है कि वर्तमान समय में मौसम के बदलाव की वजह से लोगों के भीतर वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार का मर्ज बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर लोग कृषि कार्य में व्यस्त है तो अधिक बारिश जैसे हालात से लोग प्रभावित है। इस बीच पहले और दूसरे डोज के दौरान उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वैक्सीन लगाने के बाद बहुत से लोगों को बुखार आ जाता है, तो लोग इसी बात से भी डरे हुए हैं। देखना भी यह है कि पहले और दूसरे डोज के आंकड़े 12 लाख वैक्सीनेशन को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस तरह से पूरा करता है, किस तरह से कैंप लगाए जाते हैं, या फिर लोग कोविड वैक्सीनेशन प्रिकॉशन डोज को लेकर जागरूकता दिखाते हैं या नहीं। जुलाई का महीना अभी आधा बीता ही है, लेकिन इस वर्ष की बारिश ने पिछले 4 साल में 30 जुलाई तक हुई बारिश के आंकड़े को पीछे कर दिया है। अभी मानसूनी बादल सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार नमी मिल रही है। अच्छी बारिश के साथ अब मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। पिछले साल की तुलना में इस साल जुलाई में ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है। बालाघाट जिले के भीतर बीते 4 सालों की तुलना में इस वर्ष जुलाई में बादल ज़्यादा मेहरबान रहे। आंकड़ों के मुताबिक बालाघाट जिले के भीतर जुलाई के महीने के अंत तक जिले में सामान्य रूप से 558 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए, लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा 18 जुलाई को ही 539 मिलीमीटर हो चुका है। दिलचस्प यह है कि बीते साल जुलाई से अधिक बारिश जून में हो गई थी। वहीं इस साल 1 जून से 18 जुलाई तक 514 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बालाघाट जिले के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बिरसा में सबसे अधिक 690 मिलीमीटर बारिश हुई, तो वहीं लांजी में सबसे कम 354 मिलीमीटर बारिश हुई है। बीते वर्ष के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 18 जुलाई तक बालाघाट में बीते वर्ष 423 मिलीमीटर बारिश हुई थी, तो इस वर्ष 536 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी तरह वारासिवनी में बीते वर्ष 417 मिलीमीटर बारिश हुई थी, तो वर्तमान समय में 662 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी तरह बीते वर्ष लांजी तहसील में 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो इस वर्ष लांजी में बीते वर्ष की तुलना में तो बारिश का रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन पूरे जिले की तुलना में बारिश का रिकॉर्ड उतना बेहतर नहीं है, जिसमें इस वर्ष बारिश का आंकड़ा 354 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है। इसी तरह बिरसा ब्लॉक की बात की जाए तो वर्तमान सत्र में बिरसा में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जो रिकॉर्ड 690 मिलीमीटर है। इसके तुलना में बीते वर्ष बिरसा ब्लॉक में बारिश का आंकड़ा महज 302 मिलीमीटर था। इसी तरह परसवाड़ा ब्लॉक में बीते वर्ष 302 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, तो इस वर्ष बारिश का आंकड़ा 391 मिलीमीटर पहुंच चुका है। बात यदि तिरोड़ी, कटंगी, किरनापुर की जाए तो यहाँ भी बारिश का आंकड़ा बीते वर्ष की तुलना में बेहतर है। इस दौरान लालबरा के बारे में विशेष तौर पर आपको बता दें कि लालबरा ब्लॉक में बीते वर्ष बारिश इस समय 253 मिलीमीटर ही थी। इसकी तुलना में इस वर्ष लालबरा में 554 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस कारण हालात वहां पर बाढ़ जैसे निर्मित हो गए। थोड़े समय में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होने के कारण पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालत निर्मित हो चुके हैं। आज से 15 दिन पहले अगर बारिश के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो आंकड़े थोड़े चिंता करने वाले थे, लेकिन अचानक 15 दिनों के भीतर बारिश का कोटा इतना अधिक बालाघाट के भीतर बरस चुका है कि आंकड़े बेहतर है, लेकिन बाढ़ के मामले में थोड़ा चिंता करने वाले। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी एक सप्ताह के भीतर बालाघाट जिले में ऐसे ही बादल मेहरबान रहेंगे, जिस कारण बारिश का आंकड़ा जुलाई के अंत तक ही अगस्त 15 के आंकड़ों को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। बालाघाट के साथ ही पड़ोसी जिले सिवनी, मंडला और महाराष्ट्र में हो रही झमाझम बारिश की वजह से जिले के अधिकांश नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, या कहे कि नदी उफान पर है, जिस कारण नदी के उस पार काम करने गए लोग अचानक बढ़ रहे जलस्तर की वजह से नदी की बाढ़ में फंसकर परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया, जिसमें खैरलांजी तहसील के अंतर्गत महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित ग्राम मोवाड डोंगरिया में बावनथड़ी नदी के टापू में रेशम विभाग की नर्सरी में काम कर रहे 16 लोग नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे। इसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन तत्काल हरकत में आया और होमगार्ड के गोताखोरों को नाव सहित मौके पर पहुंचाया गया। एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार खैरलांजी एवं बचाव दल के सदस्य भी मौके पर पहुंच चुके थे। 4 लोगों को महाराष्ट्र की ओर से सुरक्षित निकाल लिया गया। शेष लोगों को बालाघाट होमगार्ड के दल ने नाव से सुरक्षित निकाल कर ला लिया गया है। सभी 16 लोगों का मोवाड़ के स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। सभी 16 लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित है। कम बहाव में से, तेज बहाव में से जाना नहीं चाह रहे। हिम्मत नहीं होती। चलो ठीक है, आपकी सहमति से हम लोग उतार देते हैं। वाकई में कम पानी इधर का है ना, बहाव भी थोड़ा कम है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? सभी लोग 5। और यहाँ कौन कौन जा रहा हो? अभी और तुम दोनों जाओ, इसको भी ले जा रहे हो। रस्सी फंस जाएंगे, वो देखना रस्सी खिंच। ओकुआ में एक छात्रा की मौत के मामले में परिजनों और स्थानीय जनों ने छात्रावास के बाहर जमकर हंगामा किया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। यह पूरा मामला आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय ओकुआ का है, जहां छात्राओं ने विद्यालय के गेट के सामने वे धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि यहां एक छात्रा की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जहां छात्रा ने इलाज के लिए बार बार बोलती रही, लेकिन विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और ऊपर से धमकियां देते रहे, जहां छात्रा की हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए छात्राओं ने गेट के सामने भारी बारिश में समस्याओं को लेकर धरने पर बैठकर नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाई। बताया गया कि विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य जो नियमित टीचर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा छात्राओं को गाली दी जाती है तथा टीसी देने की धमकियां दी जाती है। जानकारी के अनुसार कक्षा 7वीं की छात्रा प्रीति मरकाम जैतपुरी निवासी है। उसकी बहुत दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह बार बार छुट्टी मांग रही थी, किंतु विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य के द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और फिर उसकी हालत नाजुक देख 15 जुलाई को उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन 16 जुलाई को उनके निवास स्थान जैतपुरी में उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय उकवा के छात्राओं ने परिजनों के साथ गेट के सामने दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे। उन्होंने विजेंद्र मेश्राम सहायक प्राचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा ही मनमानी करने से छात्रा की मृत्यु हुई है। जब तक कलेक्टर सर नहीं आते हैं तब तक गेट पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। घटना है सर 16 तारीख, और सर कल एक लड़की की सीरियस तबीयत खराब हो गई। उसका नाम संगीता गायकवाड़ है, और हमने बोले सर को, बोले सर सीरियस हो जाएगी इसलिए बालाघाट ले जाया जाए उसको। तो सर ने बोले क्या कहते हैं वो डॉक्टर को बुला लिए, वर्मा डॉक्टर को सिर्फ, और फिर सर उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन भी नहीं था उनके पास। दोबारा गए, उतने में क्या हो जाता सर, किसको क्या पता है। हमने बोले सर एम्बुलेंस को बुलाओ, अगर जैसा है तो वैसा ले जा दो, हम पैसे दे देंगे। पैसे के लिए हम पूरे 12th वाले पूरे स्कूल से पैसे जमा करवा लेंगे। सर वो भी नहीं किया गया। 1 बजे सर उसको हॉस्पिटल ले गए, 3 बजे तक हम वहाँ जगे थे। सर एम्बुलेंस को 1 बजे कॉल किया गया था और 1 बजे कॉल किया गया, और हमारी अधीक्षिका को 9 बजे पता चल चुका था कि हमारे हॉस्टल में एक लड़की सीरियस है करके, फिर भी हमारी अधीक्षिका नहीं आई। अधीक्षिका कौन है आपकी? अधीक्षिका चेतना गुंडा ने मैम। अच्छा, कहाँ गई है वो? सर अधीक्षिका तो कोई है ही नहीं सर, यहाँ पे लेडीज ही नहीं है हमारे लिए। कब से नहीं है, कितने दिनों से नहीं आती हो? छात्रावास आती नहीं है, उन्हें एप्लीकेशन देती बोलते हैं और फिर आती ही नहीं। सर वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे बालाघाट में पढ़ रहे हैं तो हम बालाघाट में ही रहेंगे। सर दिन में आते हैं, सर क्लास अटेंड करवाते हैं और फिर शाम को 4 बजे चले जाते हैं। सर 4 बजे के बाद फिर जो भी कुछ भी घटना हुई वो सब कर्मचारी लोग देखते हैं सर। उसके अलावा लालबरा में हो रही लगातार बारिश की वजह से क्षेत्र के सभी तालाबों का जलस्तर अधिक हो गया है। वहीं कई पुलियों के ऊपर से पानी भी बह रहा है, जिस कारण लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। ऐसी एक घटना लालबरा क्षेत्र में दिखाई दी, जिसमें एक मोटरसाइकिल पानी में बह गई। समय रहते परिवार के मुखिया की सूझबूझ के कारण परिवार के 3 लोग बाल-बाल बच गए। दरअसल पूरा मामला लालबरा नगर मुख्यालय के तहसील कार्यालय के आगे लालबरा बोरी मार्ग पर स्थित सर्राटी नदी के पुल के ऊपर से 17 जुलाई की रात्रि में करीब 7 फीट पानी बहने से रोड किनारे से मिट्टी धसकने से पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुका है। रविवार की शाम 7 बजे बल्लारपुर निवासी चंद्रप्रकाश बड़गुजर अपनी पत्नी अनिता बड़गुजर, बेटी 5 वर्षीय रांची बड़गुजर को लेकर लालबरा से अपने गांव बल्लारपुर जा रहा था। तभी पुलिया पार करते समय अचानक उनकी मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव के चलते अनियंत्रित हो गई और वह जैसे तैसे पानी से बाहर निकले, परंतु मोटरसाइकिल पानी में बह गई। अगर वे समय रहते पानी से बाहर नहीं आते तो मोटरसाइकिल सहित 3 लोग भी बह सकते थे, परंतु चंद्रप्रकाश की सूझबूझ के चलते उनका परिवार बाल बाल बच गया। वहीं 2 दिनों तक हुई अनवरत बारिश के चलते लालबरा से बोरिंग मार्ग पर स्थित सर्राटी पुलिया के समीप निवासरत लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी घुस गया है, जिस पर घर में रखे सामग्री पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं एवं कच्चे मकान क्षतिग्रस्त होने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय के सामने बोरी पहुंच मार्ग सर्राटी नदी में बाढ़ आने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन के द्वारा मार्ग के दोनों ओर बैरिकेड लगाकर मार्ग को बंद कर दिया गया है। नगर मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर बालाघाट रोड स्थित ओरिएंटल कॉलेज के सामने स्थित पांगा तालाब में अत्यधिक पानी भर जाने के कारण 17 जुलाई की रात्रि में तालाब का पार फूटने से तालाब की पानी बालाघाट रोड के ऊपर से बह रहा, जिससे बालाघाट लालबरा मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों व स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही बकोड़ा बेलगांव के किसानों के खेतों में खरीफ की फसल की रोपाई खराब हो चुकी है। नाले की स्थिति ऐसी थी उस समय की कि पानी नहीं था पुल के ऊपर में, और मैं अपने बच्ची को सरकारी हॉस्पिटल में, उसको टाइफाइड था तो उसका ट्रीटमेंट करवाने गया था। मैं 5 बजे के लगभग में गया था और 7:30 के लगभग में मैं रिटर्न हुआ बच्ची का ट्रीटमेंट करवाने के बाद में। और उस दौरान ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ भी रोकथाम के लिए कुछ भी ऐसा लगा नहीं था, कुछ भी स्टाफ नहीं था और प्रशासन की कोई भी वहाँ पे ऐसी पहल नहीं थी कि जिसकी वजह से मेरा वो मैं रुक सकता हूँ वहाँ पर ऊपर ही में कि यहाँ पे बाढ़ आई है, पानी बह रहा है। पुल क्रॉस करे तो क्या हादसा हुआ था? तो मैं जैसे ही यानी कि पुल के नीचे आया, डाउन भाग था, गाड़ी मेरी चले गई तो वहाँ लगभग 2 बहा के लगभग गाड़ी चले गई। वहाँ की ऐसी स्थितियाँ थी कि मैं गाड़ी को भी ब्रेक करा पर गाड़ी भी नहीं संभली और मेरा फैमिली पूरा परिवार यानी पानी में बहने लग गया था। तो बाढ़ के आने से मकान में कम से कम 4 फीट पानी घुस गया, जिसके कारण दीवार लगभग बैठने लगी है, सामान भी काफ़ी कुछ बह गया है और जितना कुछ हाथ में आया वो समेट के रखे हैं। कितने परिवार है आपके परिवार में, कितने लोग हैं? उस घर में दो परिवार रहते हैं, दो भाई के परिवार। तभी क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? अभी अब हम वही गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता देख रहे हैं जिससे कि रहने की व्यवस्था हो। पूरा पानी आ रहा है और क्या परेशानी सबसे ज़्यादा जो जंगल की लकड़ी आ रही है वो पानी जहाँ से निकासी होता है उसको पूरा हमने पैक कर दिया है। वर्तमान में उसकी अभी वर्तमान में तो उसको निकाल नहीं सकते, पानी कम होगा जब मजदूर द्वारा उसको निकाला जाएगा। और दोनों साइड से पुलिया को क्षतिग्रस्त कर दिया, कोई बड़ी गाड़ी हो या कोई मोटरसाइकिल वो भी पुलिया बैठ जाएगा। रात में भी एक हादसा हो गया, एक गाड़ी बह गई यहाँ से। और सर जिनके लाख एहतियात के बावजूद भी जिले में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जहां अज्ञानता के चलते साइबर क्राइम के मामलों में रोजाना ही इजाफा देखा जा रहा है। ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं मामलों के बीच अब ठग गिरोहों ने जिले के 3 व्यक्ति को ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लाखों का चूना लगाया है, जिन्होंने अपने आप को विद्युत विभाग का कर्मचारी बताकर बिजली बिल जमा करने के लिए पहले तो ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कराई और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आईडी नंबर, पासवर्ड और OTP आदि मांगकर बालाघाट, भरवेली और कटंगी के 3 व्यक्तियों से करीब 3 लाख रुपये की ठगी कर ली। जहाँ कटंगी के एक व्यक्ति से 1,23,000 रुपये, भरवेली के एक व्यक्ति से 74,500 रुपये तो वहीं बालाघाट के एक व्यक्ति से 99,990 की ऑनलाइन ठगी की गई। यह सभी ठगी तुरंत बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन को डिसकनेक्ट करने की सूचना देकर की गई। बताया जा रहा है कि यह सभी ठगी महज 15 दिनों के भीतर की गई है। जहां ठग गिरोह ने इन व्यक्तियों से ऑनलाइन ठगी कर करीब 3 लाख रुपये ऑनलाइन ठग लिए, जिसकी शिकायत बालाघाट, भरवेली और कटंगी के निवासियों ने साइबर सेल से कर उनके बैंक अकाउंट से काटी गई रकम को वापस दिलाने, ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। अभी लगभग पिछले 15 दिनों में 3 मामले आए हैं। बिजली बिल जमा न होने के कॉल आए लोगों को, बिजली विभाग की तरफ से कस्टमर बन के कॉल किए और ये कहा गया कि आपका बिजली बिल पेमेंट नहीं हुआ है, आप बिजली बिल पेमेंट अभी जमा करिए नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। 3 केसेस हैं, तीनों बालाघाट जिले के अलग अलग क्षेत्र से हैं, एक भरवेली, एक बालाघाट और एक कटंगी क्षेत्र से। तीनों में लगभग टोटल अमाउंट 15 दिनों में जो हुआ है 3,98,290 रुपये का हुआ है। और इसमें जितने भी कॉल या फ्रॉड हुए हैं, कॉल आके फ्रॉड हुए, उसमें कॉमन चीज यही रही कि सभी ने बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर कॉल किए हैं और जो तीनों प्रार्थी से रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन, एंडेक्स, क्विक सपोर्ट और भी जो दूसरे एप्लीकेशन थे वो डाउनलोड करवा के उनसे उनकी ATM कार्ड संबंधी जानकारी या फिर UPI जानकारी को फीड करवाकर उनके खाते से आहरित किए ये राशि सारी। कोर्ट में चल रहे प्रताड़ना के केस के चलते 1 माह पहले ही समझौता कर ससुराल गई एक नवविवाहिता ने अपने पति, सास ससुर के विरुद्ध उसे मारने की नीयत से दवाई में कीटनाशक मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया है। यह घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम साले की है। कीटनाशक के सेवन से अस्वस्थ महिला कविता पति शिवलाल बिसेन 23 वर्ष ग्राम साले थाना किरनापुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी, मेरे टॉनिक में दवाई मिला दिया गया था। किसने मिलाया? मेरे सास ससुर और हस्बैंड। क्यों? 1.5 साल से झगड़ा चल रहा है सर अभी हमारे घर से। अच्छा, आपका मायका कहाँ का है? और ससुराल? साले से। शादी कब हुई थी? 2018 में। क्या चल रहा था आपके बीच में, सास ससुर के और आपके बीच में? जी, शादी हुई तो 1 महीना ठीक रही, उसके बाद में मेरा अलमारी का मुझे डॉक्टर के पास जाने दिए ट्रीटमेंट करवाने और मेरे लाकर का ताला तोड़ के पूरा जेवर चोरी किए थे। इसलिए भी 2-4 लोग बिठा दी थी पहले, तो उन्हीं की गलती निकली तो बाद में बताया हमने निकाले और वो आरोप उनका मेरे ऊपर लगा रहे थे, इसलिए हुआ। फिर बाद में बड़ी बेटी थी मेरे पेट में तो वैसे ही आरोप लगाया जाता था कि ये बच्चे हमारे परिवार की नहीं है, तूने कहीं और से लाई गई थी, वो भी हुआ। फिर अभी मारपीट चालू कर रही है एक बार। तो अभी केस भी चल रहा है आपका कोर्ट में? जी। क्या हो रहा था कोर्ट में? किसने किया था? रिपोर्ट किए थे थाने में? जी, मैंने की थी, मैं ही कोर्ट से कुछ लड़ रही हूँ। वारासिवनी में अनवरत रूप से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते क्षेत्र के नदी नाले अपने पूरे शबाब पर बह रहे हैं। वहीं कुछ नालों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लालबरा रोड स्थित चुनिया नाला पर बीते 2 दिनों से बाढ़ होने की वजह से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। 2 पहिया व पैदल राहगीर नाला क्रॉस करने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण कुछ ग्रामों का संपर्क वारासिवनी मुख्यालय से टूट गया है। इसी तरह नेवरगांव से कोपे मार्ग पर बने नाले में भी बाढ़ है, जिससे आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में फिर एक बार टोंडिया नाले की ऊंचाई बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। सर इसमें यह दिक्कत है कि पुल जब रोड बनी तब अगर ऊंचा हो जाता तो ये वाली परेशानी नहीं आती। आने जाने बड़े मुश्किल से, मतलब सुबह से रोड बंद था, अभी बार जाके चालू हुआ है, लेकिन अभी भी तो पानी आ रहा है। अभी ऊपर पानी है, आधे घंटे बाद रोड बन जाएगा, फिर से बंद हो जाएगा। यहाँ पानी कहाँ का आता होगा? पानी आज मुझे खेत का ही पूरा, दो तीन नाले का, एक नैतरा नाला पड़ता है वहाँ का पानी। कहाँ कहाँ के नाले बंद है, कुछ जानकारी है? नाला अपना यहाँ का छोटे मार्ग वो भी बंद हो चुका है, और एक नैतरा वाला मार्ग कल बंद था, अभी चालू है। अभी आप पानी कम जाए तो चालू पानी जा रहा है। परेशानियाँ आवागमन में तो वह पूरी परेशानी है, और परेशानी का मेन की क्या है, ये मेन रोड है, मेन मुख्य मार्ग, हाँ मुख्य मार्ग है, मेन रोड है, तो उसके कारण क्या है, बहुत समस्या है लोगों को। आवागमन वालों के लिए भोपाल गाड़ी है, जबलपुर गाड़ी है, और इधर से सारी चीज़ें है। हमको फार्म हाउस जाने का है तो हमको परेशानी है। अभी हमारे जैसे दो चार वहाँ कार्यकर्ता लोग हैं तो उनको देखरेख के लिए परेशानी है। अभी तो 2-3 घंटे मतलब यानी हमारे वहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने के कारण ऊँचा किया जाए। जैसा वो वाला कटंगी रोड का नाला जैसे बना है, पुलिया बना है, उस टाइप का ये भी पुलिया बनाया जाए।